जी सर, आज का दिन जो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो घोषित हुई है, इस दिन को आप किस तरह से देखते हैं? कितना बड़ा दिन ये पूरे जम्मू वासियों के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए कितना बड़ा दिन आप देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आज का दिन जो है वो ऐतिहासिक दिन है, और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई देता हूँ कि हमारे हनरेबल लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जी ने आज ये एक घोषणा की है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी जो है वो होगी। जम्मू कश्मीर के लोगों की जो वर्षों पुरानी मांग थी, जो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने उसको पूरा किया है। आज से कई वर्षों पहले से जो पुरजोर डिमांड आ रही थी, इसके लिए एजिटेशने भी हुए, धरने भी हुए, प्रदर्शन भी हुए, और कई बार असेंबली में भी ये मुद्दे उठे, लेकिन महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी घोषित नहीं हुई। मैं आज का दिन जो है वो ऐतिहासिक दिन मानता हूँ कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, गृह मंत्री अमित शाह जी और विशेष तौर पर हमारे आदरणीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने लोगों की भावनाओं का आदर मान और सम्मान करते हुए और एक अच्छी मीटिंग भी उन्होंने बुलाई थी राजभवन में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप और राजपूत सभा के युवा, राजपूत सभा के प्रेसिडेंट और उनके कई और साथी और एडमिनिस्ट्रेशन के भी कई ऑफिसर्स वहां पर बैठे थे। बातचीत के बाद आदरणीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने कहा कि बहुत जल्द महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन 23 सितंबर को छुट्टी घोषित की जाएगी, उसके लिए एक नोटिफिकेशन जो है वो निकाला जाएगा, और इसके साथ साथ ही आज आपने देखा कि जैसे ही छुट्टी घोषित हुई तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में जम्मू के डोगरों ने इसे खुले मन से इसका स्वागत किया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद किया और खुशी जाहिर की। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये खुशियां और मनाई जाएंगी ढोल ढमाके के साथ। महाराजा हरि सिंह जी का जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए, स्टेट के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, या फिर ये जो छुआछूत को दूर करने में भी उनका बहुत बड़ा एक प्रयास था। वो एक दूरदृष्टि इंसान थे, महाराजा थे और दूर की सोचने वाले थे, गरीबों के मसीहा थे। इसलिए जम्मू के डोगरे, विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं, उनकी ये इच्छा थी कि भाई महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी घोषित की जाए। तो आज मैं एक बार फिर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भावनाओं का आदर मान और सम्मान करते हुए महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी घोषित की है। सर, जिस तरह से पूरे जम्मू, आपने खुद कहा कि वो पूरे रियासत के महाराजा थे, और डोगरा, अगर हम समाज की बात करें, डोगरा शासन की बात करें, तो वो लद्दाख तक भी हमें देखने को मिलता है। तो क्या आने वाले दिनों में हम लद्दाख में भी उनकी छुट्टी जो है वो कर सकते हैं, उसकी उम्मीद? अच्छी बात है, ये भी आपने अच्छा कहा कि महाराजा हरि सिंह जो थे वो सिर्फ जम्मू और कश्मीर के ही महाराजा नहीं थे, वो तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के महाराजा थे, और जो हमारी पुरानी स्टेट थी 47 से पहले की, वो सारा हिस्सा जो है उस पे उनका राज था, साम्राज्य था। तो मुझे लगता है कि लद्दाख में भी ये छुट्टी जो है वो घोषित होनी चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर मैं आज जो जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन है जिसमें आज हम रह रहे हैं,
और वहां के जो नागरिक हैं उनके लिए तो ये एक ऐतिहासिक दिन है कि बरसों पुरानी मांग जो है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने पूरी की है और जिसका हम आदर मान और सम्मान करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। उनके साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के डोगरों की, जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भावना का आदर मान और सम्मान करते हुए ये छुट्टी जो है वो घोषित की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख और दूसरे क्षेत्रों में भी इस छुट्टी की खुशी जो है वो मनाई जाएगी। सर, जो एक ऑफिशियल तौर पर जो नोटिस जारी किया जा सकता है वो उसकी उम्मीद हम कब तक कर सकते हैं कि वो कब तक आ सकते हैं? हमारी बात हुई आदरणीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से तो उन्होंने कहा कि भाई छुट्टी तो हम मान रहे हैं, घोषित कर रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ औपचारिकता है और उसको निभाते हुए ये जो रिटर्न में इसका जो ऑर्डर होगा, जो नोटिस निकलेगा, वो महाराजा जी के जन्म दिन से पहले ही निकाल दिया जाएगा। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सरकारी जो दस्तावेज है वो महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिन से पहले ही निकल जाएगा और ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद।